Hi, I'm Farhan Saeed, और मैं आ रहा हूँ 8th Hum Awards happening on 24th of September in Toronto. I am performing, but what am I performing? Am I singing? Am I dancing? Or am I hosting? It's for you to find out. And to find that out, go and book your tickets right now. On 24th September 2022 at the First Ontario Centre. To book your tickets, log on to humawards.ca. फिर किस गल दा पंगा तू पाड़ा है। तुम इतनी मटेरियलिस्टिक क्यों? देखो, क्योंकि लोग ना आपकी पर्सनालिटी को जज करके आपको वैल्यू करते हैं और पर्सनालिटी इन सारी महंगी चीजों से बनती है। एक दस्तखत बस इधर कर दो। क्या शर्त है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस हर लाख पे 10,000 महीने देना होगा, 30,000 रुपए महीना 3 लाख पे, और अगर 3 महीने में पैसे वापस ना किए तो ये डबल हो जाएगा। ये कुछ ज्यादा ही नहीं है सूद? सूद? प्रॉफिट। याद रखना, हराम का बोझ उठाना बहुत मुश्किल काम है, हिसाब देना पड़ता है इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। चुप करो, निकल जाओ यहाँ से, और आइंदा मेरे घर में कदम मत रखना। तुम और तुम्हारा बेटा मर गया हमेशा के लिए हमारे लिए, और हम तुम्हारे लिए, समझी? तुम निकलो। नवीद, नवीद इधर मर। नवीद, क्या हो गया अम्मा? बेगैरत, तेरी वजह से आज मेरी वो बेइज्जती हुई है ना कि मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। लेकिन क्यों, हुआ क्या? छोड़ूंगी तुम्हें उन्हें भी नहीं, शाकिर और उसके खानदान से ऐसा बदला लूंगी कि याद रखेंगे सारी जिंदगी। अच्छा ठीक है, लेकिन बताओ तो सही, हुआ क्या? ऐसे ताने दिए अगले पिछले मुझे, और तुझसे और मुझसे सारा ताल्लुक भी तोड़ लिया है। क्या रिश्ता भी खत्म और ताल्लुक भी? हाँ, चाचा ने अच्छा नहीं किया अम्मा। शाकिर को अपने कहे हुए एक एक लफ्ज का हिसाब देना पड़ेगा। मम्मी के बगैर कैसे जिंदा रहूंगा? ये क्या बदतमीजी है? बाहर इतना हंगामा हुआ है और तुम इधर म्यूजिक सुनने में मस्त हो, अब क्या हुआ है? ताई और अब्बा की लड़ाई हुई है। क्यों? बस उसी बात पे जो शगुफ्ता ताई हम सबके बीच में एक इख्तलाफ की वजह, न्यास के चावल लेकर हैं बने वापस कर दिए। अब्बा को भी इतना रिजर्न नहीं होना चाहिए, उनके हमारे उनकी मर्जी जो चाहे करें यार। क्या तुम्हारा मतलब ये है कि वो जो गुनाह करें अब्बा उनको ठीक कहें? ये भी तो गलत है ना कि दादी, अम्मा, अब्बा, तुम सब उनके खिलाफ महाज बना के खड़े हो गए हो। ये सही और गलत की बात नहीं आपी, ये हक सच और गुनाह की बात है। जो शख्स अल्लाह के बताए हुए सच का दिफा करता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। तुम अपने नजरियात ठीक करो। मेरे नजरियात ना बिल्कुल ठीक है, समझ आई? तो तुम्हारी नजर में शगुफ्ता ताई ठीक है, कुछ गलत नहीं करी? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, बस उनके अमाल है, उनकी मर्जी जो चाहे करें, इंसान होने के नाते हमें उनकी इज्जत तो करनी चाहिए ना। वो जो गुनाह कर रही है ना उनके खिलाफ अल्लाह और उनके रसूल ने लाने जंग किया है और उनका दिफा कर रही है। शर्म करें और अपने नजरियात ना ये बदलें। तो पता चल गया कि शगुफ्ता ताई ने मुझे 1,000 रुपए दिए तो तूफान आ जाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो मेरे बच्चे। मैं तो ठीक हूँ, बस तुम्हारी फिक्र लगी रहती है मुझे हर वक्त। कैसी फिक्र? शहर में गया तू, पता नहीं कैसे लोग हैं, किस तरह से रहता है तू, क्या खाता पीता है। माँ, शहर तो बहुत बड़ा है लेकिन आपके बेटे से बड़ा नहीं, और वैसे भी लोग जितने मिले हैं सब अच्छे मिले हैं। अलबत्ता खाने का बहुत मसला है यहाँ पर, क्योंकि ना मेरे पास बर्तन है और ना मुझे खाना पकाना आता है। भरजो, मेरे बच्चा फिर तू कैसे खाता पीता है, क्या करता है?
अम्मा है ना यहाँ पे जगह जगह पर होटल। अच्छा बासुल फराज बेटा मैं आ जाती हूँ आज की ट्रेन से ना। नहीं नहीं मैं सारा दिन बैंक में वहाँ करूंगा, फिर आप यहाँ पर अकेली, मुझे घर का कुछ सामान इकट्ठा कर रहे थे, फिर आप आ जाइए। नाजुक थी मेरा बच्चा, किस तरह तुझ पे सारे घर की जिम्मेदारी पड़ गई। अम्मा आपका बच्चा बड़ा हो गया, आप फिक्र ना किया करें। बस अब मैं फिक्र करूंगी तो अपने बेटे की शादी की। हाँ ये ही ना बात। अच्छा गांव में तो तू शादी का नाम नहीं लेने देता था और शहर में जाकर ही दुल्हन की फिक्र। वाह भाई वाह। अम्मा बड़े शहर की बड़ी बातें। मजाक कर रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा अम्मा मुझे बैंक के लिए ना देर हो रही है तो मैं आके आपको कॉल करूँ। अब बेटा बेटा बासुर फराज फोन कर लेना फिर तर्शाद से, मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह की अमान, अल्लाह के हवाले। जी ठीक। अभी इनका बीपी बहुत हाई है, लगता है किसी बात की इन्होंने टेंशन ली है। रात को बस झगड़ा हो गया था। जब ही तो खैर ये मैं मेडिसिन लेकर आऊँ। ये निधि अगर शाम तक इनका बीपी नॉर्मल नहीं होता तो आप इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाएगा। डॉक्टर साहब कोई खतरे की बात? बिल्कुल है, इन्हें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है और फॉलेज भी हो सकता है। अल्लाह खैर करेगा, आप इनका बीपी चेक करते रहे, चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। शाकिर बेटा ये आज बिल जमा करा देना। अम्मा आज तनख्वाह मिलेगी, मैं बिल जमा करा दूंगा, पैसे अब अपने पास ही रखें। अरे बेटा तुम्हारे पर तो पहले ही इतनी जिम्मेदारियां, फिर करीम की इतनी पेंशन होती है कि मेरा गुजारा अच्छा हो जाता है, फिर क्यों तुम पर बोझ बनूं? अम्मा सारी जिंदगी तो हम आप पे और अब्बा पे बोझ बने रहे, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अब्बा ने ये घर बना दिया, वरना मैं कहाँ अपनी बेटियों के साथ ख्वार होता रहता। अरे बेटा तुम्हारे जन्नती अब्बा बड़े समझदार थे, अपनी जिंदगी में ही सबके हिस्से दे दिला दिए। अल्लाह का शुक्र मेरा हिस्सा भी मेरे नाम कर दिया, वरना तो शगुफ्ता निकाल बाहर करती। अरे अम्मा आपको पहले भी तो कहा था आप हमारे साथ आके रह ले। अरे बेटा करीम के साथ उस घर में जिंदगी गुजारती, अब मर के ही निकलूंगी वहां से। शाकिर चाचा रात को आपने मेरी माँ को ऐसा क्या बोला है कि उसका बीपी अभी तक हाई है, बेहोश पड़ी है वो? तो जाके अपनी माँ से पूछो। तो यहाँ अनम का मेरे लिए रिश्ता लेने आई थी, पता नहीं क्या कुछ कह दिया आपने उसे। खबरदार मेरी अनम का नाम अपनी जबान पे लाया, जबान खींच के रख दूंगा। अरे तुम लोग इस काबिल हो कि तुम्हें रिश्ता दिया जाए? दफा हो जाए यहाँ से। चाचा आप क्यों भूल रहे हैं, अब्बा ने मरने से पहले रिश्ता तय किया था। अगर आज अकबर भाई जिंदा होते तो तुम लोगों की करतूतें देखकर ये रिश्ता तोड़ भी डालते। चाचा मैं कह रहा हूँ अच्छा नहीं कर रहे, इसका अंजाम अच्छा हो जाए यहाँ से, वरना तुम्हारा अंजाम खराब कर दूंगा यहाँ से। चलो तू यहाँ क्यों आया है? मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो चाचा ना तुम्हें छोड़ूंगा और दादी को आग लगा दूंगा। आग चल। धमकियां दे रहे, निकल यहाँ से, निकल चल। शाकिर अगर शगुफ्ता को कुछ हो गया, गरीबों का खून चूस के तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? शराफत भाई तुम्हें भी लेने नहीं आए? मैं भी कब से कॉल करी हुई तो फोन ही नहीं उठा रहे वो, ये भी कोई तरीका है भला? अपने 19 ग्रेड के डैड से बोलो ना, ऑफिस से गाड़ी भिजवा देंगे ड्राइवर के साथ। तुम्हें ना बस मौका चाहिए, मौका तुम ही देती हो। वैसे मैं सोचती हूँ कि अगर तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारे राज खुल जाए तो। ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मेरा ये फाइनल ईयर है, इसके बाद ना मैंने जॉब करनी है, पर सबसे पहले मैंने एक गाड़ी लेनी, बहुत सारा पैसा कमाना है और यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं वो हमेशा नहीं रहती हैं। वाह भाई क्या प्लान्स हैं तुम्हारे, ये याद रखना कि जो सबसे ऊंचा उड़ते हैं ना वो उतना ही जोर से गिरते हैं। तुम हमेशा नेगेटिव बातें किया करो, पहले ही मैं इतना लेट हो रही हूँ, अब बाद में चलेगा मेरा बैलेंस भी खत्म हो गया। चाचा इनका बिल कर दे। अच्छा मियां ये बताओ सब ठीक चल रहा है ना, यहाँ कोई मसला तो नहीं है? मसले हैं भी और नहीं भी।
खैर, जिंदगी तो नाम ही मसलों का है। अच्छा ये बताओ, घर सेट कर लिया? कहाँ से, अच्छा आप बैंक से आने के बाद टाइम ही नहीं मिलता। आज बर्तन लाऊंगा। बेटा घरवाली ले आओ, घरवाली आ जाएगी तो बर्तन भी आ जाएंगे। बात तो पता की किया आपने, और घरवाली अब लानी ही पड़ेगी। सलाम अलैकुम चाचा। वालेकुम सलाम। 100 रुपए का मोबाइल कार्ड दे दो मुझे। बेटा मोबाइल कार्ड तो नहीं है, इजी लोड कर दूं? चाचा इजी लोड कर दे, वैन आने वाली, जल्दी कर दे बस। अच्छा जरा नंबर बताओ। 0300। तो मेरा नंबर नोट कर रहे हो? जी नहीं, और ना ही मुझे इसकी जरूरत। ये देखिए, तसल्ली कर ले, अपने दोस्त को मैसेज कर। मुझे तुम्हारा लोड हो गया। शुक्रिया चाचा। फराज मियां, ये वैसे ही गुस्से की जरा सी तेज है। जरा नहीं, थोड़ी ज्यादा ही तेज है। क्या 1000 रुपए किस बात के? तौबा, तुम लोगों ने हद ही कर दिया। माने यूनिवर्सिटी दूर है, लेकिन 1000 किस बात के दूं तुम्हें? चलो जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जाना। 1000 आप यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही हैं तो क्या मैं आपकी हेल्प कर? क्या मतलब, मैं आपके साथ आपकी बाइक पे बैठ कर जाऊंगी। हरगिज़ नहीं, आप जाइए। मैडम अब हर बात का उल्टा मतलब क्यों लेते? और वैसे भी आपको अपनी बाइक पर बिठा के मैंने मौत को दावत नहीं दी। क्या मतलब? रिक्शा ले देता हूँ। सुनना भाई, बेटे बाजी कहाँ जाना है? उन साहब ने भेजा है मुझे। मुझे नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा, उन्होंने कराया भी दिया है मुझे। जल्दी बेटे जल्दी। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। घर जाकर सफर चाचा को किराया देकर आती हूँ। अम्मा ये अनार का जूस पियो और सेहत बनाओ थोड़ी सी। पकड़ो। रखते हो तार। शुक्र है तुम्हारा बीपी तो बेहतर हुआ, मैं तो घबरा ही गया था। तुमने भी तो चचा की बातों का असर ले लिया ना। मैं भी चचा और दादी को खूब सुना कर आया हूं। तो शाकिर क्या गया था? हाँ दादी भी थी वहां। मैं तो सबको बोल आया हूं कि अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। फिर शाकिर ने कुछ नहीं कहा तुझे? उन्होंने बहुत कुछ कहा। चची ने बोला कि मेरी अनम का नाम अपनी जबान पे लाया, जबान खींच के रख दूंगा। अरे तुम लोग इस काबिल हो कि तुम्हें रिश्ता दिया जाए? अगर आज अकबर भाई जिंदा होते तो तुम लोगों की करतूतें देखकर ये रिश्ता तोड़ भी डालते। शादी की बात कर दी? शादी की बात तो मैं नहीं कर सकी उनसे, तूने कर दी। हाँ और उन्होंने साफ साफ इनकार भी कर दिया। पता नहीं चाचा को किस बात की अकड़ है, पर अम्मा एक बात साफ साफ बता रहा हूँ, अनम से शादी करना मेरी जिद है। वो हमसे जीना मरना खत्म कर चुके हैं। वो जो मर्जी करे, दादी भी उनके साथ है, सब इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ। तो क्या हुआ, तुम उनसे हार मान लोगी? हार तो नहीं मानती मैं। शाकिर का कहा एक एक लफ्ज सारी रात सुई बन के चुपता रहा है मेरे दिल पे। उसके कहे एक एक लफ्ज का हिसाब लूंगी मैं, उसे हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। सलामुलेकुम शगुफ्ता बाजी, तुझे क्या हो गया? नवीद बता रहा था ब्लड प्रेशर बढ़ गया।
हाँ गुलखान, ऐसा ही है। बता किस खाना खराब खबर तेरे दिमाग को चढ़ गया? बता दूंगी, वो भी बताऊंगी। अभी तो गुलखान मुझे मुलाजमा चाहिए, बड़ा मसला हो रहा है। जो भी लड़की आती है 2 दिन नहीं टिकती, भाग जाती है। मुझे कोई गरीब ज़रूरतमंद लड़की ला दो, अब मुझसे ये घर के काम काज नहीं होते। तुम क्यों इतना फिक्र कर रहा है? बंदोबस्त हो गया, कल आ जाएगा लड़की। नवीद यार, एक गिलास पानी पिलाओ। अच्छा गाइस, मैंने अपना बर्थडे इनवाइट तुम सबको सेंड कर दिया, तुम लोगों ने जरूर आना है। जरूर। फिर मैं अपना असाइनमेंट ना पिक करना भूल गई हूँ, मैं लेके आती हूँ। यू गाइस ऑर्डर समथिंग, मैं मेरे लिए भी कुछ कर देना प्लीज। आप सुनो, तुम लोगों ने नेहा के लिए बर्थडे के लिए क्या लिया है? हाँ यार, मैंने तो एक बहुत स्टाइलिश इम्पोर्टेड बैग और नेकलेस ले लिया है। वाह, मैंने भी उसके लिए एक इम्पोर्टेड ड्रेस लिया है और परफ्यूम भी। अनम, तुमने क्या लिया उसके लिए? टाइम ही कहाँ मिलता है, आज या कल जाऊंगी ना शॉपिंग मॉल उसके लिए कुछ लेने के लिए। यार परसों बर्थडे है उसका, कल चली जाऊंगी। अच्छा ड्रेसेस का बताओ, क्या क्या वेयर कर रहे हो? मैं ना ये वाला ड्रेस पहन रही हूँ, देखो कैसा। ओह नाइस, बहुत प्यारा है, तुम देखो। अच्छा है ना, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। और अना तुम क्या पहन रही हो? मैं अभी डिसाइड करूंगी, इतने ड्रेसेस कुछ भी पहन लूंगी। आनंद तुम्हारी फ्रेंड अंबर आई है, शायद तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अनम, अनम जरा बात सुनना मेरी। अनम, तुम्हारी दोस्त तुम्हें बुला रही है, चाहे बात सुन लो उसकी। कहो अब। अनम, अनम मेरा दिलावर से मिलना बहुत जरूरी है। हाँ तो मिलो ना जाके, मुझे क्यों बता रही हो? इस मुश्किल वक्त में सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। देखो मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना तुम। अनम तुम और मैं दोस्त हैं ना, और मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ, मेरी जिंदगी का सवाल है, प्लीज मदद कर दो पहली और आखिरी बार। जान छोड़ दो मेरी। अनम पीछे ही पड़ गई, मुसीबत करेगी। अनम अनम रुको तो सही। लो जी आज मुट्ठी गरम कर लो, नए नए ताजा नोट, तनख्वाह मिली है मुझे। बस इसी चीज का तो इंतजार था, बड़े लोगों के पैसे चुकाने हैं। सिर्फ 5,000 बचा है। जे मोटरसाइकिल के पेट्रोल के भी तो पैसे चाहिए। अम्मी ये पैसे मुझे दे दे। क्यों, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? मेरी दोस्त की बर्थडे है ना, उसके लिए गिफ्ट लेना है, तो इन पैसों से मैं ले लूंगी, आ जाएगा इससे। इसे कौन समझाए? मैं जाकर समझाती हूँ। खुदा का खौफ करो आप ही, तुम्हें अम्मा अब्बा का जरा सा भी एहसास नहीं है और दोस्त से गिफ्ट की फिक्र पड़ी है। मैं क्या करूँ, अम्मी अब्बू की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती, मैं दोस्तों को छोड़ दूं? बहुत अमीर दोस्त है मेरी। किसने कहा इतनी अमीर दोस्तें बनाओ? अच्छा दोस्ती करने से पहले पूछूं, सुनो तुम अमीर हो या गरीब? मुझे गरीब लोगों से ना सख्त चिढ़ है। शर्म करो आप ही, हम भी कोई इतने अमीर नहीं है, जरा सा भी एहसास नहीं अम्मी अब्बा का। उन्होंने बड़े हमारे नाज नखरे उठाए हैं, एक एक जोड़ा हम 100-100 बार पहनते हैं। और नेहा की बर्थडे बहुत अच्छी जगह पे, बहुत बड़ी जगह पे, मैं खाली आ जाती भी अच्छी लगूंगी क्या? और याद नहीं 2 दिन पहले इतने सारे गिफ्ट दिए थे उसने मुझे, तो खाली चल जाऊं उसकी बर्थडे पे आप क्या? अम्मी अब्बा को परेशान करने से बेहतर है कि तुम ना ही जाओ। छोड़ो मेरे भाई, छोड़ो महम, तुम मर ही जाओ। अम्मी पैसे संभाल करेगी, तो फिर मेरी जरूरतें कौन पूरी करेगा? ये जरूरत नहीं है, फजूल खर्ची है। अच्छा बेटा नाराज मत हो, मैं कुछ करता हूँ ना, मैं तुम ये पैसे रख लो, मैं किसी से उधार पकड़ लूंगा। अब्बा ये गिफ्ट घर की जरूरतों से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो पता नहीं क्या हो गया, माँ बाप का जरा सा भी एहसास नहीं रहा। मैंने तो अपनी सारी ख्वाहिशात ही मार दी, चाट खाने से पहले ना 100 बार सोचती हूँ खाऊं कि नहीं खाऊं, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, हमारी भी कोई जिंदगी है, गुर्बत में पैदा हुए गुर्बत में मर जाएंगे हम लोग तो। अभी ना शुक्री मत करो, हम हजारों से बेहतर है। हाँ तुम होगी हजारों से बेहतर, मैं नहीं हूँ।
अच्छा बेटा तुम गुस्सा मत करो, तुम ये पैसे रख लो, मैं कुछ कर लूंगा ना। मुझे नहीं चाहिए पैसे, आप करें अपनी जरूरतें पूरी। ठीक है मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती होती है तो होती रहे, आप लोग को क्या मेरी इज्जत की बेइज्जती से। शाकिर खाना तो खा लें, अनम की तो आदत है जरा जरा सी बात पर हंगामा करती है। राहत मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटियों की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकूंगा। अनम के अंदर बहुत एहसास महरूमी है। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? जिस तरह आपने अपनी हक हलाल कमाई से इन्हें पाला है, इससे बढ़कर कोई बात हो सकती है? और रही बात अनम की, उसको तो हर दूसरे दिन एक नई फरमाइश करने की आदत है, रहने दे उसे, ना शुक्री कहेंगी। मैं जानता हूं कि मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन इंसान के अंदर ख्वाहिशात सांप की तरह होती हैं, हर वक्त डसने को तैयार, लेकिन ख्वाहिशात का डसा इंसान रफ्ता रफ्ता महरूमियों का शिकार होकर कभी कभी गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। मेरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है, छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए इतना तरसना पड़ता है। अच्छा था कि मैं पैदा ही ना हूं। अब नेहा के बर्थडे पे ऐसे खाली आ जाऊं, मेरी कितनी इंसल्ट होगी सबके सामने। अनम बेटा दरवाजा खोलो, अनम बेटा दरवाजा खोलो। किसी को मेरी परवाह नहीं है, मैं भी नहीं खोलूंगी दरवाजा, खड़े रहे। देखो अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, और वैसे भी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरी बेटियों के आंसू मेरे दिल पे गिरते हैं, काश मैं इतना मजबूर ना होता तो मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू ना आने देता। और ये मत समझना कि मुझे एहसास नहीं है। मैं ठीक हूं, आप खाना खा लो। मैं तुम्हारे दिल की हालत को समझता हूं, लेकिन मैं बेहिस बाप नहीं। आप टेंशन नहीं ले, चले खाना खाते हैं चल के। काश चलो। मुझे मारा है, बचाओ! मर जाऊंगी। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? अम्मा 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 इधर देखो, अम्मा अम्मा आंखें खोलो, अम्मा अम्मा इधर देखो। कुछ नहीं था, ख्वाब था, ख्वाब देख रही हो, मैं हूँ नवीद, इधर देखो। ख्वाब था, मैं हूँ, इधर हूँ आपके पास। लगता फिर डरावना ख्वाब देखा है माँ ने। अब कुरान ख्वानी भी करा ली है, न्याज भी बांट ली है, लेकिन कोई फायदा है ही नहीं। तुम दम जरूर करवा, कम से कम ये डरावने ख्वाब तो बंद हो। ठहर,
इधर ही हूँ, इधर ही हूँ, इधर ही हूँ, इधर 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 मैं। पानी पियो, पानी पियो, पानी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वैसे ना तुमने सही गेस किया था कि मैं तुम्हारे मोबाइल का नंबर भी नोट कर रहा था, लेकिन मोबाइल पे नहीं, अपने दिल में। लेकिन मैं तुम्हें खुद कॉल नहीं करूंगा, शायद तुम किसी दिन खुद मुझे कॉल कर लो। मैं भी क्या सोचने लगा, जानता भी हूँ गुस्से की कितनी तेज है, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, तो आप मुझे कॉल करें। खैर उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्या कर तुम्हारे दिल को बहुत अच्छे लगने लगे। अस्सलाम माँ। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताओ तुमने कुछ खाया पिया है कि नहीं? जब से तुमने बताया है मेरे हलक से निवाला नहीं उतरा। अरे अम्मा आप क्यों फिक्र करती हैं, मैं खूब खा पी कर सोता हूँ, और आपको तो पता है मुझे खाली पेट नींद नहीं आती। हाँ हाँ जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा फराज बेटा मुझे ये बताओ कि वो है ना जमीला तुम्हारे अब्बा की खाला जात, उसकी बेटी ने 12 जमातें पढ़ ली है, बड़ी अच्छी सुगढ़ सलीके वाली घर संभालने वाली लड़की है। मैं सोच रही हूँ जाकर तेरी बात ना पक्की कर दूँ उसके साथ। अरे नहीं नहीं अम्मा, उससे नहीं। तो फिर किससे? किसी और से, लेकिन उससे नहीं ना। क्यों? शक्लो सूरत की और सीरत की बड़ी अच्छी लड़की है वो तो। अम्मा अच्छी होगी, लेकिन मैं गांव की लड़की से नहीं, मैं शहरी लड़की से शादी करना चाह रहा हूँ। फराज तू शहर जाके कितना बदल गया, क्या हो गया है तुम्हें? अरे नहीं अम्मा, बस गांव की लड़की नहीं। अच्छा ठीक है, अगर शहर की तुझे कोई पसंद है तो वो बता दे। बताऊंगा आपको, लेकिन अभी नहीं अम्मा। अच्छा अम्मा मुझे अब काम करना, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके। ये लो बेटा नाश्ता कर लो। मुझे नहीं करना, अपने पास रखे अपना नाश्ता। अरे नाश्ते से क्या नाराजगी बेटा, रिस्क को ठुकराते नहीं है। मेरे किसी को क्या परवा, ना मेरी खुशी किसी को अजीज है ना इज्जत। ये लो, अरे अबू ने 1000 रुपए दिए हैं, अपनी सहेली के लिए जाके तोहफा ले लो। 1000 रुपए से आना ही क्या है, ये रखे अपने पास सारे महीने, वरना बातें सुननी पड़ेंगी कि 1000 रुपए दिए थे तुम्हें। अनम 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 बेटा बात तो सुनो, अनम मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए वक्त नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ अनम। अच्छा शक्ल देगी अपनी? शक्ल में क्या बुराई है, इसमें अच्छाई भी कौन सी है? ठीक है तुम्हारी तरह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं मैं। तुम्हारे पास है ही क्या? जी मैं बहुत दौलत है और दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार। अपनी अम्मा के पैसे पे तुम्हें याशी करते हैं। याद नहीं अब्बा ने क्या किया था तुम्हारे ताई के साथ, याद दिलाऊं? अगर तुम मेरा साथ दो तो। कैसे साथ? भाग कर शादी कर लो मेरे साथ। आइंदा अगर मुझसे ऐसी बात की ना शादी का सोचा भी तो याद कर लो। सही है भी याद दूंगा और थप्पड़ को। मुदस्सर से उधार मांगने की हिम्मत नहीं पड़ रही। अभी कल ही तो तनख्वाह मिली थी और आज उधार। लेकिन अनम के उदास चेहरे का मैं क्या करूं, आंखों के सामने आता है तो दिल घट के रह जाता है। शाकिर साहब,
खैरियत तो है, किन सोचों में घूमे? मुझे आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, घर में कोई मसला है क्या? मुदस्सिर भाई, हमारे मसले ख़त्म ही कब होते हैं? अरे भैया, मसले ख़त्म हो गए तो समझ लो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बताइए क्या मसला है? मसला इतना बड़ा नहीं है, बस कहते हुए शर्म आ रही है। अब देखिए ना, अब कल ही हम सबको तनख्वाह मिली है और आज मैं आपसे उधार मांग रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल ज़रूरतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि तनख्वाह बिचारी क्या करे। ये बताइए, कितने पैसों की ज़रूरत है आपको? यही कोई 4-5 हज़ार रुपये। ओके। बहुत शुक्रिया, ये पैसे मैं आपको बहुत जल्द लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें। मुदस्सिर भाई, आप हमेशा हर मुश्किल में मेरे काम आए। भाई आपके दोस्त जो ठहरे। जी, और ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू शाकिर साहब। शुक्रिया। कोई बात। अनम देखो यार, प्लीज खुदा का वास्ता मेरी मदद करो, मैं आज मजबूर हूँ, कल को मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो मुझे करना क्या होगा? मेरी अम्मी तुम पे बहुत ट्रस्ट करती है अनम। तो मैं दिलावर से मिलके जल्दी वापस आ जाऊंगी। अम्मी की कॉल आए तो तुम उन्हें बोल देना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज अनम। और अगर वो घर आ गई तो मैं क्या करूँगी? नहीं, तुम परेशान नहीं हो, वो नहीं आएंगी, वो बीमार पड़ी हुई है। ठीक है, मेरी एक शर्त। वो क्या? पच्चीस हजार जवेरिया, 65,000। अस्सलामुअलैकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ गुल खान, तुम्हारा मेहमान आ गया। हाँ बुलाओ, आओ आ जाओ आओ। आओ बैठो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो बैठो बैठो। बजी, ये मैंने तुमसे इनका बात किया था ना, ये जरखा है, जरखा। ये लोग गांव से आया, बहुत गरीब लोग हैं। इनको 1,00,000 रुपए का बहुत सख्त जरूरत है। हाँ क्यों नहीं, मिल जाएगा बिल्कुल। गुलखान ये अंगूठा लगवा लो। बजी ये किस लिए? नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, बस वो 1,00,000 रुपया दे रही हूँ ना मैं तुम लोगों को, तो उसके बदले में ये बच्ची 1 साल तक मेरे घर में मुलाजमा रहेगी। कबूल है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। नहीं अब्बा, मुझे तुम लोगों के साथ जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना। चुप कर जा बेटी, हम बहुत मजबूर है। ये लो अंगूठा लगाओ। बाजी, 1 साल के बाद तो हम अपनी बेटी को ले जा सकते हैं ना? क्यों नहीं, जाहिर है रीति है तुम्हारी। बाजी वो पैसे? ओ ये गिन लो। ठीक ठीक। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा अम्मा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने साथ नहीं चलो, मुझे अपने घर नहीं रहना, मुझे घर जाना, मुझे घर जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना। अम्मा मुझे अपने साथ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना। अम्मा
वो सामने किचन है, उधर जाके बैठो, मैं तुम्हें काम समझाती हूँ। आगे जाओ। अंकुल खान, ये भरोसे के लोग हैं ना, कल कला को झगड़ा वगड़ा करने तो नहीं आ जाएंगे? मेरा गारंटी है बाजी, तुम्हें फिक्र रहो। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि कागजों में 5 साल और 5 लाख लिखा है, ऐसा ना हो साल बाद ही टपक पड़े। जी तुम बेफिक्र रहो, साल के बाद लड़की के खाते में ऐसा नुकसान डालूंगा, सारा काम पिट हो जाएगा। 5 साल पक्के, तुम्हारे साथ रह रहे बड़ा चालाक हो गया। अच्छा ये रोना धोना बंद करो, उठो काम करो। ये बर्तन तुमने धोने हैं और घर का काम भी तुम ही करोगी, समझी? मुझे अपने अम्मी अब्बा के घर जाना है। क्यों? पूरा 1 लाख रुपया दिया उन्हें मैंने तुम्हें यहाँ छोड़ने का। अगर मुझे अपने घर जाना। समझ नहीं आ रही मेरी बात जो मैं कह रही हूँ? जबान से समझो ना, 1 लगाऊंगी। उठो बर्तन धो सारे, और अगर 1 बर्तन टूटा ना, हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। चलो उठो।